हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गोभी का पराठा। जो अभी आप देख सकते हैं, बिल्कुल भरा भरा स्टफिंग बिल्कुल भरा हुआ है और हमारा पराठा बिल्कुल फटता भी नहीं है। ऐसे ही हम आपको आज बताएंगे पराठा बनाना। हेलो फ्रेंड्स, मैं संजना, संजना वेज डिलाइट में आपका स्वागत है। चलिए अब हम गोभी का पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने गोभी को ऐसे टुकड़ों में काट लिया है। इसको हम थोड़ा सा गर्म पानी में धो लेंगे, क्योंकि हमारा गोभी 3 से 4 दिन का हो गया था। और इसको हम अच्छे से धो करके छान लेंगे। छान करके हम इसे 10 मिनट पानी निकलने के लिए रख देंगे। फिर इसको हम ऐसे बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। आप चाहे तो इसको मीडियम से ग्रेट कर लीजिएगा, इसको मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट नहीं करेंगे। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और लहसुन भी हम डालेंगे। चलिए अब हम आटा लगा लेते हैं। हमने आटा ले लिया है अपने हिसाब से, और इसमें हमने थोड़ा नमक भी डाल लिया है। और इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूँथेंगे। इसे हमें बिल्कुल टाइट, बिल्कुल आटा हम नहीं गूँथेंगे। अगर हमारा आटा टाइट हुआ तो हमारे पराठे फटने लग जाएंगे। हमें कोई भी स्टफिंग वाला पराठा बनाना हो तो उसके लिए हमें आटा सॉफ्ट गूँथना होता है। और ये हम स्टफिंग में डालने के लिए हरा मिर्च और धनिया है, इसको हम बारीक बारीक बिल्कुल काट करके डालेंगे स्टफिंग में। हमने इसे बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। अब इसको हम मिक्स करेंगे, धनिया और हरा मिर्च। और हम साथ में डालेंगे 1/4 स्पून जीरा। फिर हम डालेंगे इसमें 1/4 स्पून अजवाइन। और इसमें हम डालेंगे आमचूर पाउडर, ये हमारा घर का आमचूर पाउडर है। और फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा जीरा, काला मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर। और इसको हम डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने अदरक लहसुन भी ग्रेट कर लिया था। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। चलिए अब हम टमाटर की चटनी बना लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है। ये हमने धनिया ले लिया है, इसको हमने रफली चॉप कर लिया है। और टमाटर को भी हम रफली चॉप कर लेंगे। और फिर इसको हम मिक्सर जार में डाल करके इन सारी चीज़ों को पीस लेंगे। दो हरा मिर्च और 2 से 3 लहसुन की कलियाँ ले लेंगे। इन सारी चीज़ों को भी हम मिक्सर जार में डाल देंगे। इसको हम दरदरा ही पीसेंगे। और इसमें हम थोड़ा नमक भी डाल लेंगे। देखिए हमारा चटनी पीस चुका है, थोड़ा हमारा चटनी बारीक हो गया है, जबकि इसे हम दरदरा ही पीसते हैं। चलिए अब स्टफिंग में हम नमक डाल लेते हैं। हम स्टफिंग में लास्ट में नमक डालेंगे, पहले डालेंगे तो हमारा स्टफिंग पानी छोड़ देगा। आप स्टफिंग को मिक्स करने से पहले इसका पानी निचोड़ लीजिएगा, नहीं तो ये बाद में पानी ज़्यादा छोड़ देगा। हमने भी इसे हल्का निचोड़ लिया था। हमने एक लोई ले लिया है, उसको हमने कटोरी का शेप दे करके इसमें हमने अच्छा खासा स्टफिंग भर दिया है। और इसको हम ऐसे फिंगर की मदद से प्रेस करते हुए अंदर करेंगे। और इसका मुंह बिल्कुल आराम से ऐसे बंद कर लेंगे। आप बिल्कुल आराम से इसे हल्के हाथों से ऐसे अपने स्टफिंग को भरिएगा। और इसको हम एक चकले के आकार में सूखा आटा लगा करके चकले का आकार देंगे। बिल्कुल इस तरह से आपका पराठा फटेगा नहीं। एक चकले के शेप में आप कोई भी पराठा बनाइए, तो हल्का सा एक चकला का शेप दे दीजिए अपने फिंगर की मदद से। और इसे दोनों साइड से पलटते हुए एक बराबर बेल लीजिएगा। देखिए हमने इसे बिल्कुल अच्छे से बेल लिया है, ये कहीं से भी फटा नहीं है। ऐसे ही आप एक बराबर बेलिएगा। अब इसको हम सेकने के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देते हैं। चलिए हम दूसरा भी आपको बना के दिखाते हैं। देखिए हमने एक लोई ले लिया है, और उसको हमने बिल्कुल कटोरी का शेप दे करके इसमें स्टफिंग भर दिया। और इसको हम अपने फिंगर की मदद से दबाते हुए इसका मुंह बंद करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और हम अपने पहले पराठे पे दोनों साइड ऑयल लगा लेते हैं उसको अच्छे से सेकने के लिए।
अगर आपको खस्ता पराठा खाना है तो आप अपना फ्लेम लो रखिएगा और इसे बिल्कुल ब्राउन होने तक, बिल्कुल लाल होने तक अच्छे से दोनों साइड से सेक लीजिएगा। अगर आपको बिल्कुल मुलायम पराठा खाना है तो आप इसको मीडियम फ्लेम पर अपने कच्ची से दबाते हुए इसे बिल्कुल हल्का सा सेकिएगा ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए। आप अब देख सकते हैं ये हमारा पराठा रेडी है। हमने इसको मुलायम बनाया क्योंकि हम ऐसे ही मुलायम पराठा खाते हैं। आप अपने हिसाब से आप अपना पराठा रेडी कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारा स्टफिंग का पराठा बिल्कुल भरा भरा, बिल्कुल भी कहीं से ये फटा नहीं है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ में टमाटर की तीखी चटनी जो खाने का स्वाद डबल कर देता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।